हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शिल्पी गारमेंट्स। आज मैं ये दो रंगों की डिज़ाइन लेकर आई हूँ जो एक ग्राफ की पैटर्न है। इसे ग्राफ की तरह आप बनाएं, लेकिन है बहुत ही आसान। एक लाइट और एक डीप कलर में ये अच्छी लगती है, चाहे जो भी दो कलर की कॉम्बिनेशन हो। जैसे मैं इसमें डीप में ग्रीन कलर ली हूँ और लाइट में येलो कलर। इसमें आप और भी बहुत सारे कलर्स को बना सकती हैं, जैसे कि रेड एंड वाइट। रेड डीप में ले लें, वाइट को लाइट कलर्स में ले लें, या फिर आप ब्लैक और रेड की कॉम्बिनेशन में भी ये बहुत अच्छी लगती है। वैसे दोनों ही थोड़ी डीप है, लेकिन आप ब्लैक को ग्रीन की जगह बनाएं और रेड की जगह आप येलो की जगह रेड को बनाएं तो भी बहुत ही अच्छी लगेगी। इस डिज़ाइन को आप बच्चों के स्वेटर में ही अधिकतर डालें तो अच्छी लगेगी, क्योंकि ये उसी के लिए ज़्यादा परफेक्ट है। इसे स्वेटर के आगे के पल्ले में पूरे में नहीं डालें, थोड़ा सा बीच में इसे डालें तो ज़्यादा अच्छी लगेगी। ये उल्टे के तरफ से इस ढंग से है, लेकिन ये धागा थोड़ा सा कम दूरी पे पास होता है तो ये स्ट्रेचेबल ही होती है। तो आइए देखते हैं इसे कैसे बनाएंगे। एक बार ज़रूर ट्राई करें स्वेटर्स के ऊपर, अगर आप बच्चों की स्वेटर बना रहे हैं तो। बड़ों से अच्छा ये बच्चों की स्वेटर में ही दिखेगी। तो आइए देखते हैं इसे कैसे बनाएंगे। आप किसी भी स्वेटर में इस डिज़ाइन को अगर सेट करें तो फंदे को ज़रूर गिनकर सेट कर लें, तभी उसमें दो या चार फंदे कम या अधिक भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर इस डिज़ाइन को सेट की हूँ, जैसे शुरू में पाँच फंदे, ये पाँच फंदे सीधा के बाद एक डिज़ाइन है, यहाँ से शुरू की हूँ। फिर से पाँच के बाद एक, तीन दो पाँच के बाद एक, पाँच के बाद एक और लास्ट में पाँच फंदे। इस ढंग से आप डिज़ाइन को काउंट करके सेट करें। अभी तो मैं थोड़े से कम फंदों पर आपको बताऊंगी, क्योंकि ऐसे वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। अभी सिर्फ यहाँ पर इन दो डिज़ाइन को बनाकर बताऊंगी कि इसे कैसे सेट करेंगे। जैसे देखिए, यहाँ पर स्लिप नॉट से एक फंदा बनाकर सबसे पहले फंदे लेंगे गिनकर, जैसे शुरू के पांच फंदे, एक दो तीन चार पाँच, ये पांच शुरू के फंदे हो गए। फिर एक फंदा डिज़ाइन का, फिर से पांच फंदे, एक दो तीन चार पाँच, फिर से एक फंदा डिज़ाइन का और लास्ट का फिर पाँच, एक दो तीन एक चार और एक पाँच। कोई भी स्वेटर में आप इसी ढंग से डिज़ाइन को सेट कर लें। अब पहला, ये पहली सिलाई, इसमें पहले उल्टा बुन लेंगे। वैसे स्वेटर में तो आप पहले बॉर्डर बनाएंगे, इसलिए उसमें उल्टा बुनने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन डिज़ाइन सिखाते वक्त मैं पहली सिलाई उल्टा बुन लेती हूँ ताकि डिज़ाइन डालने में आसानी होती है। तो ये पूरी पहली सिलाई उल्टा ही बुन लेंगे। अब ये सीधी तरफ से यहाँ पर डिज़ाइन डालना शुरू करूँगी। सबसे पहले शुरू के पांच फंदों को सीधा बुन लेंगे ग्रीन कलर से, एक दो तीन चार पाँच, ये पांच फंदे सीधे हो गए। पाँच के बाद ये एक इस फंदा को पीला से बुनेंगे। उसके लिए यहाँ पर येलो कलर के यार्न को लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, पहले सिलाई को डाल लेते हैं और फिर येलो यार्न से यहाँ पर इस ढंग से एक स्लिप नॉट बनाएं, एक फंदा इस ढंग से बना लें और फिर यहाँ पर इसे डाल लेते हैं और इसे खींच कर टाइट कर लें और फिर एक फंदा बुन लें। फिर से पांच सीधा ग्रीन कलर से, एक। अब यहाँ पर इस वाले फंदे को ग्रीन के साथ देखिए बांधते हुए जाइए, जैसे यहाँ पर आगे ले जाएंगे इसे, इस ढंग से इसे भी आगे की ओर बांध लेंगे। दो तीन
चार और एक पाँच, पाँच फिर से ग्रीन और एक यहाँ पर येलो। फिर से पाँच ग्रीन, यहाँ पर ये एक येलो के बाद ये पाँच ग्रीन करेंगे, एक दो तीन चार और एक ये पाँच, पाँच ग्रीन। ये फर्स्ट रो सीधी तरफ से कंप्लीट है। अब देखिए सेकंड रो डिज़ाइन के उल्टी तरफ से बनाएंगे, उल्टे तरफ से ये जो एक ये यहाँ पर येलो कलर का है इसे तीन बनाएंगे येलो, यहाँ पर भी एक का ये तीन करेंगे और बाकी के सारे फंदे ग्रीन से बनाएंगे। पहला फंदा उतार लेते हैं और ये दो तीन और एक चार, चार शुरू के चार फंदों को पहले यहाँ पर ग्रीन बुन लेंगे और बीच के इन तीनों फंदों को येलो कलर से बुनेंगे। येलो कलर से बुनने के लिए इसे ग्रीन को इस ओर ले जाएं और येलो को इस ओर से एक उल्टा दो उल्टा और एक तीन उल्टा बुनेंगे। इसे फिर टाइट कर लेते हैं। फिर से यहाँ पर एक दो और एक तीन, तीन ग्रीन कलर बुनेंगे, फिर बीच के इन तीनों को येलो से बुनेंगे, एक दो तीन और बाकी के चार फंदों को जैसा कि शुरू में बनाई हूँ लास्ट में भी चार उल्टा ये सेकेंड रो कंप्लीट है। अब ये सीधी तरफ से डिज़ाइन की थर्ड रो है। अब सीधी तरफ से देखिए ये तीन का पाँच हो जाएगा, यहाँ पर ये भी तीन का पाँच होगा येलो और बीच का एक ये ग्रीन होगा। तो ये पाँच होने पर शुरू के तीन फंदों में ये हरे से सीधा बनाएंगे, पहला फंदा उतार लेंगे, दूसरा एक ये दो हो गए, ये तीन, तीन सीधा। अब यहाँ पर पाँच सीधा बुनेंगे येलो कलर से, एक दो तीन चार पाँच, ये पाँच सीधा। फिर से एक ग्रीन से एक सीधा बुनेंगे और पाँच हरे सॉरी पाँच बुनेंगे ये येलो से, एक दो तीन चार पाँच, ये लास्ट के तीन फंदों को ग्रीन बुनेंगे क्योंकि शुरू में भी तीन फंदे ग्रीन हैं, एक दो ये तीन। ये देखिए बर्फ़ी शेप में ये बिल्कुल आधी बर्फ़ी ये तैयार है, यहाँ पर आधी शेप आ चुकी है। अब उल्टे तरफ से ये घटता जाएगा जैसा कि यहाँ पर है, ये पाँच फंदों तक ये बढ़ी है और यहाँ से फिर ठीक उसी ढंग से घटाएंगे इसे। अब उल्टे तरफ से देखिए, उल्टे तरफ से ये पाँच येलो तीन होगी और बाकी के ग्रीन बुनेंगे, तो तीन से चार फंदे हो जाएंगे ग्रीन के। एक फंदा यहाँ पर उतार लेते हैं, ये दूसरा, ये तीन और एक ये चार, चार ग्रीन और तीन येलो। येलो बुनते वक्त फिर उसी ढंग से ग्रीन को इस ओर करेंगे ज़रूर और येलो को फिर इधर से एक दो और तीन। अब यहाँ पर तीन ग्रीन हो जाएंगे क्योंकि एक येलो इधर से लेंगे, एक येलो इधर से, एक दो तीन, फिर से तीन येलो
एक दो तीन और बाकी के चार फंदों को ग्रीन कलर से बनाएंगे। ये एक दो तीन और एक चार, चार ग्रीन ये हो गए आपके। उल्टे तरफ से ये सिलाई कंप्लीट है। अब सीधी तरफ से देखिए, सीधी तरफ से अब यहाँ पर तीन का एक करेंगे, यानी तीन येलो को एक येलो करेंगे इन दोनों में, और बाकी के सारे फंदों को ग्रीन में बुनेंगे। जैसे यहाँ पर फिर से चार का पांच ग्रीन हो जाएगा, फिर एक येलो, फिर से ये पांच ग्रीन, एक येलो, फिर से पांच ग्रीन, जैसा कि फर्स्ट रो में बनाई थी ठीक से वो ये लास्ट रो भी उसी ढंग से बनेगी। पहला फंदा उतार लेते हैं, फिर से एक दो हो गई, ये तीन, एक चार, एक ये पांच, पांच ग्रीन है। अब देखिए ये येलो फंदे को देखिए, ये काफ़ी लूज़ हो गई है, इसलिए इसे यहाँ पर टाइट करना ज़रूरी है। ये एक फंदा यहाँ पर येलो बुनेंगे, लेकिन शुरू में इसे ज़रूर आप पलट लें हमेशा, नहीं तो ये लूज़ हो जाएगी। फिर इस फंदे को टाइट करके थोड़ा फिर इसे एक सीधा बुन लेंगे, और फिर से ये ग्रीन फंदे को इस ओर से टाइट करके फिर आगे के पांच फंदों को ग्रीन बुनेंगे। तीन चार, एक ये पांच, फिर से एक येलो। यहाँ पर इसे पलटने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहीं पर लूज़ होती है ये, एक बार बंध जाने के बाद आगे के सारे पंक्तियों में इसे सिंपल बस एक सीधा बुन दे। लेकिन ग्रीन को फिर से यहाँ पर एक बार इस ढंग से पलट के पांच ग्रीन, एक दो तीन चार और एक पांच, ये देखिए डिज़ाइन की ये एक सेट कंप्लीट हो गई है। बस अब इसे ही बार बार रिपीट करेंगे, जैसे कि इसमें बनाई हो इसी के ऊपर फिर से ये जो एक पीला है यहाँ पर एक एक, उल्टे तरफ से फिर से इसके ऊपर तीन होंगे, सीधी तरफ से पांच, उल्टे तरफ से तीन, और फिर से सीधी तरफ से एक। बस इन्हीं पंक्तियों को बार बार रिपीट करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर एक बार फिर से डिज़ाइन को शुरू करके बता दे रही हूँ, ये एक हो गई तो एक ये बर्फ़ी की शेप बन गई है। अब इसके ऊपर नेक्स्ट बर्फ़ी जो बनाऊंगी वो यहाँ से उल्टे तरफ से शुरू करूंगी। जैसे यहाँ पर ये एक येलो है, ये भी एक येलो है, इसको अब तीन बनाएंगे और इसे भी तीन बनाएंगे। ये दो तीन चार, ये चार ग्रीन बुन के अब तीन येलो बुनेंगे। ठीक वैसे ही फंदे को पलट लें, फिर एक दो और एक तीन, ये तीन ग्रीन बुनने के बाद फिर से तीन, सॉरी तीन येलो बुनने के बाद फिर से तीन ग्रीन बुनेंगे। एक दो तीन, फिर से तीन येलो, ये दूसरी सेट बन रही है डिज़ाइन की। एक दो और एक तीन, फिर से बाकी के चार फंदों को ग्रीन बनाएंगे। दो तीन चार, यहाँ पर देखिए ये दूसरी सेट बनकर यहाँ पर शुरू हो चुकी है। इस तरह से अब जैसा कि यहाँ पर मैं बनाई हूँ सीधी तरफ से इसे पांच फंदे बुनी थी, यहाँ पर पांच बनाएंगे, एक ग्रीन, फिर से पांच बनाएंगे और बाकी के फंदों को ग्रीन बुनेंगे, और उल्टे तरफ से अभी फिर एक एक येलो और बाकी के ग्रीन बनाएंगे। इस तरह से इसे आप जितनी दूर चाहें आप डालकर इसे कंप्लीट कर सकती हैं। इसी के ऊपर हर बार ये बर्फ़ी की शेप ये बनती जाएगी। देखिए इसके ऊपर, फिर इसके ऊपर, आप जितनी दूर चाहें इसे बनाएं। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। धन्यवाद। कलर से बनाएंगे, ये एक दो
तीन और एक चार, चार ग्रीन, ये हो गए आपके उल्टे तरफ से। ये सिलाई कंप्लीट है। अब सीधी तरफ से देखिए, सीधी तरफ से अब यहाँ पर तीन का एक करेंगे, यानी तीन येलो को एक येलो करेंगे इन दोनों में, और बाकी के सारे फंदों को ग्रीन में बुनेंगे। जैसे यहाँ पर फिर से चार का पांच ग्रीन हो जाएगा, फिर एक येलो, फिर से ये पांच ग्रीन, एक येलो, फिर से पांच ग्रीन, जैसा कि फर्स्ट रो में बनाई थी ठीक से, वो ये लास्ट रो भी उसी ढंग से बनेगी। पहला फंदा उतार लेते हैं, फिर से एक दो हो गई, ये तीन, एक चार, एक ये पांच, पांच ग्रीन है। अब देखिए ये येलो फंदे को देखिए, ये काफ़ी लूज़ हो गई है, इसलिए इसे यहाँ पर टाइट करना ज़रूरी है। ये एक फंदा यहाँ पर येलो बुनेंगे, लेकिन शुरू में इसे ज़रूर आप पलट लें हमेशा, नहीं तो ये लूज़ हो जाएगी। फिर इस फंदे को टाइट करके थोड़ा, फिर इसे एक सीधा बुन लेंगे, और फिर से ये ग्रीन फंदे को इस ओर से टाइट करके फिर आगे के पांच फंदों को ग्रीन बुनेंगे, तीन चार, एक ये पांच, फिर से एक येलो। यहाँ पर इसे पलटने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहीं पर लूज़ होती है ये, एक बार बंध जाने के बाद आगे के सारे पंक्तियों में इसे सिंपल बस एक सीधा बुन दें। लेकिन ग्रीन को फिर से यहाँ पर एक बार इस ढंग से पलट के पांच ग्रीन, एक दो तीन चार और एक पांच, ये देखिए डिज़ाइन की ये एक सेट कंप्लीट हो गई है। बस अब इसे ही बार बार रिपीट करेंगे, जैसे कि इसमें बनाई हो, इसी के ऊपर फिर से ये जो एक पीला है यहाँ पर, एक एक उल्टे तरफ से फिर से इसके ऊपर तीन होंगे, सीधी तरफ से पांच, उल्टे तरफ से तीन, और फिर से सीधी तरफ से एक। बस इन्हीं पंक्तियों को बार बार रिपीट करेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पर एक बार फिर से डिज़ाइन को शुरू करके बता दे रही हूँ। ये एक हो गई, तो एक ये बर्फ़ी की शेप बन गई है। अब इसके ऊपर नेक्स्ट बर्फ़ी जो बनाऊंगी वो यहाँ से उल्टे तरफ से शुरू करूँगी। जैसे यहाँ पर ये एक येलो है, ये भी एक येलो है, इसको अब तीन बनाएंगे और इसे भी तीन बनाएंगे, ये दो तीन चार, ये चार ग्रीन बुन के अब तीन येलो बुनेंगे। ठीक वैसे ही फंदे को पलट लें, फिर एक दो और एक तीन, ये तीन ग्रीन बुनने के बाद फिर से तीन, सॉरी तीन येलो बुनने के बाद फिर से तीन ग्रीन बुनेंगे, एक दो तीन, फिर से तीन येलो। ये दूसरी सेट बन रही है डिज़ाइन की, एक दो और एक तीन, फिर से बाकी के चार फंदों को ग्रीन बनाएंगे, दो तीन चार। यहाँ पर देखिए ये दूसरी सेट बनकर यहाँ पर शुरू हो चुकी है। इस तरह से अब जैसा कि यहाँ पर मैं बनाई हूँ, सीधी तरफ से इसे पांच फंदे बुनी थी, यहाँ पर पांच बनाएंगे, एक ग्रीन, फिर से पांच बनाएंगे और बाकी के फंदों को ग्रीन बुनेंगे, और उल्टे तरफ से अभी फिर एक एक येलो और बाकी के ग्रीन बनाएंगे। इस तरह से इसे आप जितनी दूर चाहें आप डालकर इसे कंप्लीट कर सकती हैं। इसी के ऊपर हर बार ये बर्फ़ी की शेप ये बनती जाएगी। देखिए इसके ऊपर, फिर इसके ऊपर, आप जितनी दूर चाहें इसे बनाएं। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।